press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोहरी खुशी का मौका है आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है। एक तरफ आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, दूसरी तरफ यू नो चुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज का आज के दिन के लिए? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है और आज नरेंद्र भाई की इतनी बड़ी जीत हुई है। खुश हैं कि जितने नरेंद्र भाई के फैंस हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे असली हीरो हैं, और उनके सब फैन कल हमारे साथ इनकी जीत की जश्न मनाएंगे थिएटर्स में पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखकर। और इस इंसान इस वर्चस्व के पीछे क्या कहानी है वो कल देखेंगे थिएटर्स में। 40 देशों में रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, बहुत खुश हूँ मैं। आज हमारे लिए जैसे आपने कहा डबल सेलिब्रेशन। बस खुश हूँ और मैं सोच रहा था कि मुझे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से सर बड़े नेता जिन्होंने हमारी फिल्म को रोकने की कोशिश की, मैं चाह रहा था कि पूरी विनम्रता के साथ उन सबको मैं इनवाइट करूं कि वो आए कल हमारी फिल्म देखें। अब तो हार गए हैं तो थोड़ी छुट्टी ही है उनके लिए, तो आए हमारी फिल्म देखें और शायद मोदी जी की ये कहानी देखकर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले, उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए, सकारात्मक सोच आए। तो यही मेरे एक निवेदन है उन सब से कि आएँ और फिल्म देखें। ऑडियंस इंटरेक्ट किया किस तरह का? मुझे कह रहे हैं ऑडियंस को तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, सब लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्लैपिंग कर रहे हैं, काफ़ी इमोशंस भी, काफ़ी एक्साइटमेंट भी है फिल्म में, और ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर आ गए की बार। बीजेपी का भी बहुत मुबारकबाद सबको, हमको भी मुबारक, देश को मुबारक, क्योंकि देश की तरक्की देश की जीत है। जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, तो अब इस विवाद को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है और मैं चेहरा हूँ इस फिल्म का। बट इस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, एंजॉय करें इस फिल्म की रिलीज़ को जितना हमने एंजॉय किया इस फिल्म को बनाने के लिए। और ये देशभक्ति के ऊपर एक फिल्म है, एक देशभक्त के बारे में, और हर देशभक्त को पसंद आए ऐसी फिल्म है। तो मैं चाहता हूँ कि कल से थिएटर्स में जाकर, चाहे आप 7 साल के हों या 70 साल के, लोग एंजॉय करें इस फिल्म को और वो देशभक्ति की भावना जो है वो उमड़ आए। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से इस फिल्म की रिलीज़ को एंजॉय करने वाला हूँ, अपनी टीम को सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हमारी टीम में 22-23 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने डैड के साथ भी काम किया, और गर्मी में चाहे वो कच्छ की मिट्टी में, धूल में, 45 डिग्री की गर्मी में हो, या फिर हर्षिल गंगोत्री के 5 फुट बर्फ में -20 डिग्रीज़ की टेम्परेचर में भी बच्चों ने काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में ये सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑनेस्टली ये फिल्म टीम वर्क थी, और हैट्स ऑफ टू आर टीम जिन्होंने इतनी जान डाली इस फिल्म में। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा हो। जी देखिए, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका जो मैसेज है ये यूनाइटिंग मैसेज है, देश को एकजुट बनाने वाला मैसेज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है, नरेंद्र भाई का जीवन हमेशा यही रहा है, लोग देखें अभी आज का रिजल्ट कि उन्होंने प्रांतों से लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज़, कास्ट, सब लोगों को यूनाइट किया है एक इंडिया श्रेष्ठ भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुट हैं जो अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम सब एक हों, हम यूनाइटेड हों। तो ऐसे लोगों को ये फिल्म या ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, वो पसंद नहीं आ रही है बात, उसकी वजह से डेथ थ्रेट्स आए हैं। लेकिन मैं बहुत निश्चिंत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने
और पुलिस ने सिक्योरिटी दी है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और डैड और मॉम का आशीर्वाद भी है। मैंने अभी तो जवाब दिया। मैंने अभी अभी जवाब बताया। ओके, जय हिंद।